राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला क्या है हमारे चारों ओर। क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर। भूगोल शिक्षण के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों हेतु एक वार्ता। वार्ता का यह कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित भूगोल की पाठ्यपुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है। वार्ता का शीर्षक है मानव विकास। ये एक सर्वमान्य तथ्य है कि विकास का लक्ष्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, लेकिन यदि समग्र दृष्टि से विचार करें तो केवल धन के द्वारा जन कल्याण संभव नहीं है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास जन कल्याण के प्रमुख पक्ष हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर ही संयुक्त राष्ट्र ने सभी सदस्य देशों के सामने मानव विकास की संकल्पना का लक्ष्य प्रस्तुत किया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 में प्रकाशित अपने पहले मानव विकास प्रतिवेदन में लोगों के विकल्पों को परिवर्धित करने की प्रक्रिया को मानव विकास के रूप में परिभाषित किया है। दीर्घ और स्वस्थ जीवन, शिक्षा और उच्च जीवन स्तर मानव विकास के प्रमुख तत्व हैं। मानव विकास के अन्य विकल्प हैं राजनीतिक स्वतंत्रता, मानव अधिकारों की गारंटी, आत्मनिर्भरता तथा स्वाभिमान के विविध घटक। ये सभी अनिवार्य विकल्प हैं। इनकी कमी विकास के अन्य अवसरों में बाधक बन सकती है। इस प्रकार लोगों के विकल्पों के परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना ही मानव विकास है। इस प्रकार स्त्री, पुरुष और बच्चे विकास की प्रक्रिया के केंद्र बिंदु होने चाहिए। विकास लोगों के लिए हो, ना कि लोग विकास के लिए हो। यही नहीं, विकास सहभागी होना चाहिए तथा लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशिक्षण की क्षमताओं को सुधारने के लिए विनिवेश के अवसर मिलने चाहिए। लोगों को अपनी क्षमताओं का पूरा पूरा उपयोग करने के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। इसे लोगों को सामुदायिक निर्णयों में शामिल करके तथा मानवीय, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करके पूरा किया जा सकता है। आर्थिक विकास और मानव विकास की संकल्पनाओं में आधारभूत अंतर है। पहले में मानव की आय बढ़ाने पर ही मुख्य रूप से बल दिया जाता है, जबकि दूसरे में मानवीय विकल्पों के परिवर्धन पर बल दिया जाता है। मानवीय विकल्प हैं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास। ऐसे विकास के लिए आर्थिक विकास अनिवार्य है, लेकिन इसका परिप्रेक्ष्य भिन्न होता है। इसमें निहित मूल सिद्धांत आय का उपयोग है, ना कि स्वयं आय। इसी से मानवीय विकल्पों में वृद्धि होती है। इस प्रकार राष्ट्रों की वास्तविक संपदा उनके लोग हैं, अतः विकास का मुख्य लक्ष्य मानव जीवन की समृद्धि ही होना चाहिए। विगत कुछ वर्षों में जन कल्याण और वंचन की धारणाओं में वैचारिक विस्तार हुआ है। जन कल्याण की धारणा भौतिक उपलब्धियों
या विकास के साधनों से थोड़ा सा हट गई है। ये अब उन परिणामों पर केंद्रित हो गई है जो या तो स्वयं में वांछनीय हैं या इसलिए वांछनीय हैं कि वे लोगों को बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। गरीबी केवल पर्याप्त आमदनी की कमी ही नहीं, अपितु ये लोगों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुविधाओं का न मिलना भी है, जिनके अभाव में लोग विकास की प्रक्रिया में समानता के आधार पर प्रभावशाली भागीदार नहीं हो सकते। मानव विकास क्यों? पॉल स्ट्रीटन के अनुसार इन कारणों से मानव विकास आवश्यक है। पहला, विकास की सभी क्रियाओं का अंतिम उद्देश्य मानवीय दशाओं को सुधारना तथा लोगों के लिए विकल्पों का बढ़ाना है। दूसरा, मानव विकास उच्चतर उत्पादकता का साधन है। सुपुष्ट, स्वस्थ, शिक्षित, कुशल और सतर्क श्रमिक अधिक उत्पादन करने में समर्थ होते हैं। अतः उत्पादकता के आधार पर भी मानव विकास में विनिवेश न्यायसंगत माना जाता है। तीसरा, मानवीय प्रजनन की गति धीमी करके ये परिवार के आकार को छोटा करने में मदद करता है। चौथा, मानव विकास भौतिक पर्यावरण हितैषी भी है। गरीबी के घटने से निर्वनीकरण, मरुस्थलीकरण और मृदा अपरदन भी कम हो जाता है। पांचवा, सुधरी मानवीय दशाएं और घटी गरीबी स्वस्थ और सभ्य समाज के निर्माण में योगदान देती हैं तथा लोकतंत्र तथा सामाजिक स्थिरता को बढ़ाती हैं। छठा, मानव विकास सामाजिक अशांति को कम करने तथा राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। अतः मानव विकास की संकल्पना केवल अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित न होकर मानव के संपूर्ण विकास से संबंधित है। आर्थिक कारकों के समान राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों को भी उतना ही महत्व दिया जाता है। इसके अलावा विकास के लक्ष्य और साधनों दोनों पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। मानव विकल्पों के विस्तार को तो विकास का लक्ष्य माना जाता है, लेकिन आय के विस्तार को इसका आवश्यक साधन माना जाता है। इस प्रकार संपूर्ण प्रक्रिया को मानव केंद्रित बना दिया गया है। क्या है हमारे चारों ओर? क्या है हमारे चारों ओर? चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर? चारों ओर, चारों ओर। अभी आप सुन रहे थे राखी जैन के स्वर में वार्ता मानव विकास। विषय संयोजक प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय संपादन आर पी मिश्र, आलेख एस के शर्मा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।